हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज ऑफ फार्मेसी। मैं उपेंद्र वर्मा हाजिर हूँ आपके सामने फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकेंड का एक टॉपिक जो चल रहा था, एंटी न्योप्लास्टिक ड्रग, जिसके हमने टू पार्ट हमने अपलोड कर दिया है। कुछ ड्रग बची हुई हैं उसको हम देखेंगे, ठीक। तो ये जो है एंटी मेटाबॉलिक और प्यूरिन एंटागोनिस्ट ड्रग जो है, जिसको मार्केप्टो प्यूरिन, तो ये जो है इसको हम देखते हैं मार्केप्टो प्यूरिन को। तो इट इज़ ए प्यूरिन एनाल्गो, ये जो है प्यूरिन एनाल्गो। तो प्यूरिन एनाल ये जो है एंटी मेटाबॉलिक दैट मिमिक स्ट्रक्चर ऑफ मेटाबॉलिक प्यूरिन्स एजिथ्रोप्यूरिन इज द मेन अमीनो सप्रेंट साइटोक्सिक सबिस्टेंस विडली यूज ट्रांसपोलेशन टू कंट्रोल रिजेक्शन, या आप ये कह सकते हैं प्यूरिन एल्यूगो इज इनहिबिटर ऑफ डीएनए सिंथेसिस। ये इनहिबिट करते हैं डीएनए सिंथेसिस को, ठीक। तो इसमें जो है मार्केप्टो प्यूरिन का जो है हम देखेंगे ब्रांड नेम। तो इसका ब्रांड नेम है ल्यूकोरिन इसका ब्रांड नेम है। और केमिकल की बात करें, केमिकल नेम की, तो सिक्स प्यूरिन और सिक्स थायोल ये है। और स्ट्रक्चर की इसकी बात करें तो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं एन, और ये जो है SNN, ठीक। ये स्ट्रक्चर ये जो है। और फिजिकल प्रॉपर्टी देखने में कैसी है, तो एलो क्रिस्टलाइन पाउडर, ये पीले कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर है। और सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ये जो है पुअरली सॉल्युबल इन वाटर, मतलब पुअरली का मतलब होगा कि फीका या थोड़ा सा, ये सॉल्युबल इन वाटर है। एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में भी फ्रीली सॉल्युबल इन एल्कोहल एंड एल्काइन सॉल्यूशन। और ये फ्रीली पूरी तरह से ये जो है अल्कोहल और या फिर एल्काइन सॉल्यूशन में सॉल्युबल हो जाता है, यानी घुल जाता है। केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो वाइट प्रिसिपिटेट विथ मर्करिक एसीटेट सॉल्यूशन इन प्रेजेंट ऑफ इथेनॉल। ये वाइट यानी सफ़ेद कलर का जो है ये प्रिसिपिटेट जो है हमें मर्करिक एसीटेट सॉल्यूशन घोल में जो है प्रजेंस इन इथेनॉल, अगर इथेनॉल के प्रजेंस में करेंगे तो ये हमें वाइट कलर देगा, ठीक। और एलो प्रेसिपिटेट विथ द लेड एसिटाइड सॉल्यूशन इन प्रजेंस इन इथेनॉल। इथेनॉल के प्रजेंस में जो है ये जो है एलो प्रेसिपिटेट में अवक्षेप देगा, यानी पीले कलर का लेड एसिटेट के साथ, ठीक, लेड एसिटेट के साथ। अब स्टेबिलिटी की बात करें तो ये कंपाउंड कितने टेम्परेचर पर कैसे स्टेबल रहेगा, तो स्टेबल इन रूम टेम्परेचर। ये रूम टेम्परेचर क्या होता है, रूम टेम्परेचर के बिलो दैन 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये जो है स्टेबल, यानी ये अनस्टेबल टू रूम टेम्परेचर पर ये जो है अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक। और डार्कनेस ऑन एक्सपोजर इन द एटमॉस्फेरिक एयर लाइट, अगर डार्कनेस यानी गहरा जो होता है गहरे या अंधेरे एक्सपोजर में एटमॉस्फेरिक एयर एंड लाइट, ठीक, एयर एंड लाइट के अगर थ्रू हम रखेंगे तब भी ये अनस्टेबल हो जाएगा। स्टोरेज कंडीशन की बात करें तो ये जो है वेल क्लोज लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर में हम इसको रखते हैं जिसमें प्रकाश ना जा सके। और यूज की बात करें तो यूज इस ट्रीटमेंट एक्यूट ल्यूकेमिया कैंसर में हम इसका यूज करते हैं। और फार्मूलेशन की बात करें तो मार्केप्टो प्यूरिन का जो है ये टेबलेट उपलब्ध है। अब इसी कैटेगरी की दूसरी ड्रग एजिथ्रोप्यूरिन की बात करें, ठीक। तो इसका ब्रांड नेम इमोरिन है। और केमिकल नेम की बात करें तो अगर केमिकल नेम की बात करें तो सिक्स और
ब्रैकेट ओपन, फिर छोटा ब्रैकेट, वन क्या कहते हैं मिथाइल और फोर, वन मिथाइल फोर नाइट्रो एमिडोजोल 5L, और ब्रैकेट क्लोज, थायो थायो फिर बड़ा ब्रैकेट क्लोज, फिर प्यूरीन। ठीक, अब फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो नेचर इसका देखेंगे, पहले येलो कलर पाउडर लाइट सेंसिटिव, ये हल्के पीले रंग का जो है लाइट, वो क्या कहते हैं पाउडर होता है जो कि लाइट से सेंसिटिव होता है, लाइट कब से सेंसिटिव होता है। और क्या कहते हैं इसके सॉल्युबिलिटी की बात करें, सॉल्युबिलिटी कितने में घुलनशील है, तो इन सॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में जो है इन सॉल्युबल है, स्लाइटली थोड़ा सा सॉल्युबल इन अल्कोहल, थोड़ा सा अल्कोहल में सॉल्युबल है एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। ठीक, केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो पेले पिंक, मतलब ये पेले पिंक कलर प्रेसिपिटेट रिजल्ट इन दी डीकलराइजेशन रिएक्शन, ये पिंक कलर, पिंक या पिंक जो है हल्का पिंक कलर जो है ये प्रेसिपिटेट होता है रिजल्ट बाय डीकलराइजेशन रिएक्शन। डीकलराइजेशन रिएक्शन में ये जो है पहले पिंक कलर प्रेसिपिटेट होता है। अब स्टेबिलिटी की बात करें, ये कंपाउंड कितने में स्टेबल रहता है, तो ये स्टेबल एट रूम टेम्परेचर पे ये स्टेबल रहेगा, लो देन 25 पे ये स्टेबल रहेगा क्योंकि ये रूम का टेम्परेचर है। स्टोरेज की बात करें तो वेल क्लोज राइट लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर में हम इसको रखते हैं, ठीक, या स्टोर करते हैं। और यूज की बात करें तो ट्रीटमेंट ऑफ लिम्फोस एरेथ्रोमाइटोसिस में भी इसका यूज है, और क्या कहते हैं रूमाइटेटिस अर्थराइटिस्ट में भी इसका यूज है, और अमीनो अमीनो सप्रेस्ड, ये सप्रेस्ड तो है ही है। फार्मुलेशन की बात करें तो इसकी जो है टेबलेट मार्केट में अवेलेबल है। तीसरी ड्रग की बात करते हैं फ्लोरो यूरोसिल, फ्लोरो यूरोसिल ये प्राइमाइडीन का जो है एंटागोनिस्ट है, और इट इज ए प्राइमाइडीन, इसी का ये भी एक रूप है। ठीक, और इसका ब्रांड नेम की बात करें तो ब्रांड नेम, तो ये जो है ब्रांड नेम इसका फ्लोरोफ्लॉक्स, फ्लोरोफ्लॉक्स इसका ब्रांड नेम है। केमिकल नेम की बात करें तो 2,4-डाइक्सो-5 फ्लोरोपायरीमाइडीन। ठीक, और स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर आप ये देख सकते हैं OH-EN-HO-NF। ठीक, तो ये बेंजीन पे ये स्ट्रक्चर है। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें, देखने में कैसा है, तो नेचर इसका वाइट कलर, इसका नेचर जो है वाइट कलर का है, क्रिस्टलाइन पाउडर, वाइट कलर का ये क्रिस्टलाइन पाउडर है। ठीक, केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो इक्वस सॉल्यूशन यानी इक्वस जलीय घोल में आप 5-फ्लोरो यूरोसिस, ठीक, 5-फ्लोरो यूरोसिस डीकलराइज ब्रोमाइन सॉल्यूशन, डीकलराइज या ब्रोमाइन सॉल्यूशन के साथ डीकलराइज हो जाता है। ठीक, अब हम स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबल इन रूम टेम्परेचर पर ये स्टेबल रहता है, स्टोरेज कंडीशन सेम है उसी तरह से। और यूज की बात करें तो यूज ट्रीटमेंट ऑफ कार्सिनोमा, कार्सिनोमा कैंसर में इसका यूज है। आप जो कार्सिनोमा होता है ब्रेस्ट कार्सिनोमा, कोलन, ब्रेस्ट मतलब स्तन या कोलन मतलब मलाशय का जो है कार्सिनोमा, या पेनक्राइटिस ये पाचन ग्रंथ एंड स्टमक का, स्टमक का कार्सिनोमा में भी इसका यूज है। और फार्मुलेशन में ये क्रीम और इंजेक्शन फार्मुलेशन में मार्केट में उपलब्ध है। अब लास्ट ड्रग है सिस प्लेटिन, तो सिस प्लेटिन का जो ब्रांड नेम है प्लेटिनल, प्लेटिनल इसका ब्रांड नेम है। और केमिकल स्ट्रक्चर की केमिकल नेम की बात करें तो सिस डाई डाई मीनो डाई क्लोरो प्लेटिनम सेकेंड। ठीक, अब स्ट्रक्चर की बात करें तो PT NH3 NH3 Cl Cl- तो ये जो है इसका स्ट्रक्चर है। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें
तो फिजिकल प्रॉपर्टी में नेचर ये येलो कलर का क्रिस्टलाइन यानी पीले कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर है क्रिस्टलाइन। और सॉल्युबिलिटी की बात करें तो लेस सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में लेस सॉल्युबल है। और केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो एसिड एंड एल्काइन सॉल्यूशन ऑफ द सिस प्लेटिन गिव्स येलो क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट विद अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन। अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन के साथ ये एसिड एंड एल्काइन सॉल्यूशन के साथ ये येलो क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट यानी पीले कलर का ये अवक्षेप बैठेगा ठीक नीचे। स्टेबिलिटी की बात करें तो अनस्टेबल इन रूम टेम्परेचर, ये अनस्टेबल यानी ये रूम टेम्परेचर पर अनस्टेबल हो जाएगा, अनस्टेबल इन रूम टेम्परेचर ठीक। स्टोरेज कंडीशन की बात करें तो स्टोर एट द टेम्परेचर टू एंड, इसका जो टेम्परेचर है स्टोर करने का टू एंड 8 डिग्री सेंटीग्रेड ठीक। और फिर इसको हम स्टोर करते हैं, यूज इसका देखें तो यूज इन कार्सिनोमा, ये कैंसर जो है कार्सिन लंग्स के कैंसर, ओबरी के कैंसर और हेड एंड नेक यानी गर्दन के कैंसर में इसका यूज है ठीक। और ये इंजेक्शन फार्म में सिस्प्लेटिन इंजेक्शन के फार्म में उपलब्ध है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।